हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, एसी चैप्टर यानी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के एक और लेसन में आप सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो क्या आज का क्लास स्टार्ट करें एसी चैप्टर का? कुछ बच्चे यहां हेडिंग देखेंगे और देखेंगे सर इंपॉर्टेंट टर्म यहां लिखा हुआ है सर। तो एस मनी सर, इंपॉर्टेंट टर्म तो हम लोग पीछे के क्लास में भी पढ़े थे, एकदम पढ़े थे, तो सर आज फिर से वही पढ़ेंगे? नहीं भाई, जो पढ़े उसे क्यों मैं दोहराऊंगा? जो पढ़े हैं आप, आपका काम है दोहराना, आप उसे रिवीजन कीजिए। हम तो पढ़ा दिए, हम तो आगे निकलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि उस चीज को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये चीजें हैं कि जो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़े हैं उसमें कुछ छूट गया था। अगर आपको याद होगा तो पीछे के क्लास में हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला था मेरे बच्चे पीक वैल्यू, जिसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू था ना। दूसरा हमारा क्या था? टाइम पीरियड। तीसरा था फ्रीक्वेंसी। और फोर्थ जो हमारा था वो था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और फिफ्थ था हमारा एवरेज वैल्यू। और सिक्स्थ था हमारा आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इतना सब जो पढ़े इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमारा ज्यादा पहला तो पीक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। पीक वैल्यू क्या होता था कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो बार बार वैल्यू बदल रहा है, टक 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 टक, जीरो से बढ़ते 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 मान लीजिए 10 एम्पीयर हुआ, फिर 10 से कम से कम से कम से कम 0 एम्पीयर हुआ, फिर उल्टा डायरेक्शन में फिर बढ़ते बढ़ते 10 एम्पीयर हुआ। तो जो करंट या वोल्टेज का सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो जाता है उसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसके बाद देखे थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में मैंने क्या कहा था कि हर जगह पे अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मान बदल रहा है, तो हर जगह जो बदल के आ रहा है ना करंट या वोल्टेज का मान, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वो जान लिए थे। उसके बाद एवरेज वैल्यू आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा आरएमएस वैल्यू। हालांकि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ये सब इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में था आरएमएस वैल्यू। और हम लोग क्या देखे थे कि जो बार 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 जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इसकी वजह से एक फुल वेव के लिए, मतलब कि पूरे तरंग के लिए, फिर से कह रहा हूं, इसकी वजह से एक फुल वेव के लिए मतलब कि पूरे तरंग के लिए अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू, एवरेज वैल्यू जीरो होता है। आप लोग कहेंगे ओ सर, आप लोग कहेंगे ओ सर, पूरे के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होता है, तो सर ये बल्ब जलता कैसे है सर? दुनियादारी लाइट कैसे होता है सर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एवरेज वोल्टेज जीरो होगा, एवरेज करंट जीरो होगा। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एवरेज वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी क्यों बैटरी वगैरह से, या फिर सॉरी क्यों हमारा बल्ब वगैरह जलता है। मैंने कहा था कि जो बल्ब वगैरह जलता है वो एवरेज के कारण नहीं बल्कि आरएमएस के कारण जलता है, आरएमएस के कारण। और आरएमएस अगर आपको याद होगा, याद कीजिए कि अगर आपका इस तरीके का ग्राफ मिलता है वोल्टेज का, और मान लीजिए जो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है वो वी नॉट, यानी वोल्टेज का जो पिक वैल्यू है हमारा वो वी नॉट है, तो जो आरएमएस वोल्टेज आ गया था वो वी नॉट बाय रूट टू। किनको किनको ये बातें याद आ रही हैं कि एस मनी सर, जो आरएमएस वैल्यू आ गया था ये हमारा आ गया था वी नॉट बाई रूट टू। याद आ रही है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, याद आ रही है। चलिए, याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, नहीं याद आ रही है तो रिवीजन करने के लिए सोचिए। और मैंने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू अगर पता रहेगा तो हम आरएमएस निकाल लेंगे। और साथ साथ मैंने एक शब्द और बोला था, क्या? कि कोई भी बुक, कोई भी डिवाइस वगैरह पे, जैसे बल्ब देख लीजिए या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए या जो स्विच का जो मेंस होता है घर में वो देख लीजिए, कहीं पर भी जो वोल्टेज इंडिकेटेड किया रहता है वो आरएमएस इंडिकेटेड किया रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पोल पर से हमारे घर में 220 वोल्टेज का वोल्टेज है, तब वो आरएमएस ही रहता है। एवरेज तो जीरो होता है जी, एवरेज मान तो जीरो होता है, आरएमएस वो रहता है 220 वोल्ट। और मैंने कहा था कि घर में अगर आरएमएस 220 वोल्ट आता है तो इसके जगह पर आप पीक वैल्यू वी नॉट निकाल सकते हैं वोल्टेज का। तो ये 220 था, इसमें रूट टू से इंटू कर दिए तो वी नॉट निकल गया था, और वी नॉट का वैल्यू 311 वोल्ट आया था। और मैंने कहा था कि एसी में हम लोग जो बोलते हैं ना कि 220 वोल्ट है,
वो आरएमएस वोल्टेज होता है रियली में एसी का 220 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम वो बढ़ते 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 311 वोल्ट जाएगा, ओके, फिर घटते घटते जीरो, फिर उल्टा दिशा में 311, अपोजिट डायरेक्शन में 311, फिर जीरो, ऐसे। इसलिए एसी खतरनाक होता है। डीसी का 220 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट, लेकिन एसी भैया का 220 वोल्ट बोलते हैं तो वो आरएमएस होता है रियली में, जो पिक वैल्यू होता है या एम्पलीट्यूड बोल लीजिए या मैक्सिमम वैल्यू बोल लीजिए, वो अधिक जाता है, ओके। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आरएमएस वगैरह पढ़ लिए थे। एक बात और, आरएमएस वैल्यू को ना, आरएमएस जो वैल्यू है उसको एक दो नाम और दिया जाता है, जरा लिख ही लीजिए, आप जो लिखे थे ना नोट करके लिख लीजिए कि आरएमएस वैल्यू को जैसे वर्चुअल वैल्यू भी दिया बोला जाता है, क्योंकि रियली में जितना भी डिवाइस काम कर रहा है ना वो आरएमएस के कारण, या इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? वर्चुअल वैल्यू बोल लीजिए, इफेक्टिव वैल्यू बोल लीजिए, तो इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, लिखिए तो जरा, चलिए मेरे बच्चे लिखिए इस चीज को जरा, नहीं तो फिर छूट जाएगा, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, नोट करके, ठीक है ना। हाँ मेरे बच्चे, चलिए नोट में लिख लीजिए इस चीज को, वरना बाद में छूट जाएगा। लिखिए, आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव EFFECTIV इफेक्टिव वैल्यू, और वर्चुअल वैल्यू, और वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। चलिए लिख लिया ये चीजें, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी फोड़ते हैं, जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस फोड़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, ओके, उसके बाद आगे का टर्म पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक 6 टर्म पढ़े हैं ना, 7वां 8वां आज पढ़ेंगे, ठीक है, आगे का टर्म पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म, लेकिन इसे मैं करता हूं साफ, और साफ करके पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तो पीछे के क्लास में, पता नहीं किस क्लास में, आप पढ़े होंगे कि वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, ये जो वी लिखा वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, ये वी नॉट इनटू साइन ओमेगा टी होता है। पता है ना आप लोगों को ये फॉर्मूला, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि हम वी या आई तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, जो बार बार वोल्टेज या करेंट का वैल्यू बदल रहा है। वी नॉट क्या है? वी नॉट हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, सबसे अधिक वाला वोल्टेज, जिसको पिक वैल्यू अभी बोल रहे थे, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और टी हमारा टाइम है, ओके। चलिए ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू या आई नॉट है, तो आपका जो बल्ब वगैरह जलता है या जो भी आपका वोल्टेज मिलता है वो इस मैक्सिमम के कारण नहीं बल्कि आरएमएस के कारण मिलता है। और जो आरएमएस होता है, आरएमएस पूरे साइकिल के लिए, देखिए पूरे साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होता है फुल साइकिल के लिए, वो मैक्सिमम वैल्यू वाई रूट टू होता है। अच्छा एक काम आप कीजिएगा, आप जो पूरे साइकिल के लिए आरएमएस निकाले थे, हाफ साइकिल के लिए भी निकालिएगा तो इतना ही आएगा। हाफ क्या, 1/4 साइकिल के लिए भी निकालिएगा तो आई थिंक इतना आएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं कह रहा हूं आपसे कि एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आता है जो, तो इस बात को आपको माइंड में रखना है। अच्छा आरएमएस वैल्यू के साथ साथ एक वैल्यू और पड़े थे, एवरेज वैल्यू, याद आ रहा है? और मैंने कहा था कि पूरे साइकिल के लिए यानी पूरे वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होगा वो हमारा जीरो होगा, याद कीजिए। मैंने कहा था कि पूरा वेव है उसके लिए अगर आप निकालेंगे और एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का जो वैल्यू आता है वो जीरो आता है। तो हाफ पार्ट के लिए एवरेज कितना आया था ये बताइए, करंट का एवरेज की बात करें या वोल्टेज का एवरेज बात करें, सॉरी एवरेज हाफ पार्ट, यहां से यहां के लिए एवरेज हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला था बच्चे, और चिल्ला चिल्ला कर मैं भी बोला था और आप भी बोल रहे थे कि सर एवरेज वैल्यू जो आ जाएगा वो 2V0/π आ जाएगा, याद कीजिए 2V0/π हाफ के लिए, ओके। वहीं करंट का अगर आरएमएस निकालेंगे तो I0/√2, करंट का मैक्सिमम √2, और एवरेज निकालेंगे करंट का एवरेज तो हमारा हो जाएगा 2I0/π। तो ये सब पढ़ लिए थे, तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड ना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, तो सब बच्चे को माइंड में ये चीजें आ गई होंगी। मेनली इक्वेशंस में ये भी
ये मैक्सिमम वैल्यू जिसको पिक वैल्यू बोलते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम हो गया, ओके। उसके बाद आरएमएस और मैक्सिमम के बीच का रिलेशन और एवरेज और मैक्सिमम के बीच का रिलेशन, ये चीजें याद रहेंगी तो आपको क्वेश्चंस बनाने में इजी होगा। चलिए स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, क्लास असाइनमेंट निकालिए, आप अपना निकालिए क्लास असाइनमेंट और देखिए क्लास असाइनमेंट में क्या क्या लिखा हुआ, जल्दी देखिए और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं मेरे बच्चे। हम लोग क्वेश्चंस पहले करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इक्वेशंस दिया हुआ है, एक इक्वेशन कितना दिया है भाई, तो इक्वेशन दिया है हमको आई इक्वल टू 141.4 साइन 314 टी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है I इक्वल टू कितना बच्चे, I इक्वल टू 141.4 साइन 314 टी। साइन 314 टी इसलिए दिया जाता है ना 314 वगैरह, ताकि आपका जल्दी से क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि 314 का मतलब आप लोग को पता है कि 314 का मतलब आपको होता है पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो वहां से लगभग मैच करेगा, ओके ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं आई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, सॉरी। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए क्या कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, वो तो देख के पता चल रहा है। इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, आई इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन बताइए, देखिए तुलना कीजिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब टी के आगे हमारा ओमेगा होता है, टी के आगे ओमेगा, देखिए यहां टी के आगे क्या है 314, यानी ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 314 रेडियन पर सेकंड, जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ओके। और आपको यह पता है कि जो साइन के आगे, यानी यहां जो साइन इससे जो आगे होता है वो पिक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, यानी आई नॉट की वैल्यू 141.4 एम्पियर दे चुका है, यानी मैक्सिमम करंट ना 141.4 एम्पियर तक जाएगा, मैक्सिमम करंट इतना तक जाएगा, ओके ठीक है बच्चे। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहला नंबर में ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, इक्वेशंस दिया रहेगा तो माइंड में डालिएगा कि टी के आगे वो मेगा रहेगा और जो साइन या कॉस यहां जो भी रहे उसको आगे जो रहेगा ये एम्पलीट्यूड रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ओके पिक वैल्यू जिसे बोलते हैं, साइन के आगे आई नोट होता है ना, कंपेयर कीजिए, नहीं तो आई आई हो गया, कंपेयर कीजिए यहां साइन के आगे आई नोट, यहां साइन के आगे ये। तो नंबर ए में क्या कह रहा है, नंबर ए में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी आई नोट पूछ रहा है, तो वो तो देख कर बता दीजिएगा आंख बंद करके, आंख ऐसे बंद कीजिएगा और टप 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 देख कर बता दीजिएगा ना ये कितना 141.4 एम्पीयर। बी नंबर में क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन के बी नंबर में देखिए फ्रीक्वेंसी कह रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ, तो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले आपको ओमेगा पता रहेगा तब तो निकालिएगा फ्रीक्वेंसी ना, ओमेगा पता है सबको कितना 314 रेडियन पर सेकंड, ओके। तो ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कैसे याद है आप लोगों को कि मैंने फार्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, याद कीजिए, और टाइम पीरियड का फार्मूला 2π/ ओमेगा होता है, यानी 1/2π/ ओमेगा, और इसी के तर्ज पे मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी यहां से सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बाय 2π। देखिएगा अपने नोट्स को पढ़ा चुका हूं, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2π, डायरेक्ट याद है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाय 2π रखिए, या मुझे तो ऐसे ही याद होता है 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2π/ ओमेगा, तो यहां से निकालते हैं बस। तो ओमेगा आप लोग को पता है 314 और 2π का वैल्यू होता है 3.14, इससे 3.1 से 314 जाएगा 100 टाइम में और 2 से 100 जाएगा 50 टाइम में, यानी 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या कह रहा है, 3 मिली सेकेंड पे करंट कितना होगा। अच्छा इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल दिया जब टाइम हमारा 3 मिली सेकेंड है, यानी 3×10⁻³ है, तब आप बताइए करंट का वैल्यू कितना होगा। तो करंट तो हर जगह पे बदल रहा है बच्चे, करंट का आई का वैल्यू टक 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 जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे आई की वैल्यू बदलेगी ना, तो टाइम दे चुका है 3 मिली सेकेंड और वहां पे कह रहा करंट, तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए इंस्टेंटेनियस कह रहा 4 मिली सेकेंड पे पूछता तो अलग करंट होता, 5 मिली सेकेंड पे अलग, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट तो हर जगह बदलता है, एसी करंट बदलते रहता ना लगातार 314 साइन 314
इंटू टी की वैल्यू कितना है, 314, टी की वैल्यू हमारा 3 मिलीसेकंड है, यानी कितना 3/1000। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो नीचे जाके बन जाएगा 1000, इससे काटने में आसानी होगा। तो काटिएगा तो पहले देखिए, ऐसा काम कीजिए पहले दो जीरो को काटिए, दो जीरो को काटिएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि यहां आ जाएगा 3.14 हो जाएगा ना, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा 3.14 इंटू 3 इंटू 10 तो फाइनली आ जाएगा 141.4 इंटू साइन, और ये 3.14 इंटू 3 इंटू 10 जब आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो अगर सॉल्व करने के बाद अंदर में जो वैल्यू आएंगी, मैं कह रहा हूं अंदर में जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका यहां पे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका फाइनली सॉल्व वगैरह करने के बाद देखिए कितना आता है, पाई 3/10, यानी 3/10 पाई कहने का सेंस ये हो गया ना, ये 3/10 पाई आ गया। तो साइन 3π/10, साइन 3π/10, मुझे पता है कि साइन 3π/10 की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता होगा, आपको क्या मुझे भी नहीं पता होगा, समझ रहे मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। 3 मिलीसेकंड ही ना, मैं चेक कर लेता हूं इस न्यूमेरिकल को, थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल में डाटा है ना जो हार्ड हो गया। यस मेरे बच्चे 3 मिलीसेकंड ही है, बिल्कुल सही 3 मिलीसेकंड ही है, ओके 3 मिलीसेकंड है, ओके। तो 3π/10 इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, जब इसे पूरा सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा, अगर इसका वैल्यू आप कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं या बाद में मैं दे दूंगा यहां पे कहीं दिखा दूंगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चे तो 141 सॉल्व करेंगे तो पूरा 114 आ जाएगा, 114.35 एम्पियर ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। नोट कर लीजिए, मानिएगा इसका वैल्यू जो मैं अभी दूंगा ना, इसका वैल्यू किसी को ना, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका वैल्यू दिया रहेगा 3π/10 का, एग्जाम में अगर ऐसा आएगा नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन देगा ना जो कि इजीली कट जाए, जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तब पता लगेगा। इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए जल्दी से मेरे शेर, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी से, ओके नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि इस वैल्यू को लेकर के परेशानी आप लोग को होगा, कोई बात नहीं, जो वैल्यू दिया उसको देख लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ना तो सारा बात क्लियर हो जाएगा, सारा बात, ओके सारा बात। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे दो चार क्वेश्चन देखिए ना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, पढ़िए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दो क्वेश्चन है, वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा है कितना 300 sin 314 t। तो कह रहा है आपको कि बताइए कि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। ओके 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 चल इस क्वेश्चन को साफ कर रहा हूं, इसमें सेकंड में दो दो क्वेश्चन है, एक नहीं दो, देखिए क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो ए नंबर में है, इसमें वोल्टेज ई इक्वल टू 300 sin इक्वल टू 300 sin 314 t दे रखा है इक्वल टू, ओके। तो सबसे पहले इक्वेशन देख देख के क्या पता चलता है बताइए, ओमेगा तो हो गया 314, यही हो गया सेम 314 रेडियन पर सेकंड ओमेगा का वैल्यू, ओके। और यहां आई नोड नहीं है बल्कि मैक्सिमम वोल्टेज वी नोड पता है, वी नोड हमारा 300 वोल्ट है, नहीं मैक्सिमम वोल्टेज जो साइन के आगे वोल्टेज के इक्वेशन में मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और करंट के इक्वेशन में साइन के आगे मैक्सिमम करंट आई नोड होता है, ओके। तो या मैक्सिमम वोल्टेज वी नोड लिखिए या ई नोड लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है ना, आरएमएस वैल्यू निकाल लीजिए पहला, बड़ा आसान है जी। आरएमएस वैल्यू कैसे निकलता है बताइए, अगर पीक वैल्यू पता है तो आप लोग को पता है ना कि जो वी आरएमएस होता है ये वी नोड बाय रूट टू होता है, आपको यह बात पता होगा कि वी आरएमएस इक्वल टू वी नोड बाय रूट टू होगा, वी नोड मैक्सिमम वोल्टेज 300 बाय रूट टू। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 300 बाय रूट टू, कैसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे 300 बाय रूट टू को तो इसको 150 रूट टू बोल सकते हैं, ओके, या फिर 212 वोल्ट लगभग में आ जाएगा, ये सॉल्व कीजिएगा तो 212 वोल्ट ये तो कर लीजिएगा। चलिए तो वी आरएमएस निकल गया, इसे मैं साफ करता हूं। अगला इसी के बी नंबर में क्या कह रहा है, देखिए तो बी नंबर में कह रहा है बी नंबर में कि आपका कोई घर है देखिएगा, और उसका जो मेंस है
उसमें 220 वोल्ट 50 हर्ज लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है घर के मेंस में, 220 वोल्ट 50 हर्ज। ये कंप्लीटली एक अलग क्वेश्चन है। चलिए ए नंबर, बी नंबर, कह रहा है ना कि 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो 220 वोल्ट घर में लिखा हुआ है ये कौन सा वोल्टेज लिखा हुआ है, सच सच बोलिएगा। 220 वोल्ट जो घर में लिखा गया है, 220 वोल्ट वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस मैक्सिमम कौन सा। मैंने अभी ना बताया है कि जो घर वगैरह में लिखा रहता है वो आपका आरएमएस लिखा रहता है, आरएमएस, आरएमएस एवरेज, जो एक तरीके का आरएमएस भी एक तरीके का एवरेज होता है। एवरेज तो नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा बोलना, लेकिन आरएमएस भी एक तरीके का एवरेज होता है। ओके, तो आरएमएस वोल्टेज दिया 220 वोल्ट और कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है कितना, 50 हर्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन E=E0 sin ωt होता है, ये लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको इसके लिए एक तो चाहिए E नॉट, या E नहीं लिखेगा तो V से लिखिए, जो भी आपको अच्छा लिखता है वो लिखिए। V=V0 sin ωt ये लिखने के लिए बोल रहा है मेरे बच्चे। तो आपको एक चाहिए इसके लिए वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, और एक ओमेगा चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लीजिए कैसे, अभी आप लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई होता है, तो यहां से अगर आप ओमेगा निकालेंगे तो वो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है, 2 हो जाएगा 100 इंटू होकर, और पाई 3.14। सॉल्व कीजिएगा तो 314 हर्ट्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना 50 into 200, और 100 into 3.14 करेंगे तो हमारा 314 हो जाएगा। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारा निकल गया, ओमेगा तो यहां पे निकल गया, ओमेगा सॉरी ओमेगा निकल गया। ओके, ओमेगा एक चाहिए, वी नॉट, वी नॉट कैसे निकालेंगे, आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट है, और अगर आप रेगुलर दिल लगा के पढ़ते हैं तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि एस मनीषर आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट है तो मैक्सिमम वोल्टेज 311 होगा। पढ़ाए हैं ना, देखिए ना ऐसे आप लोग पढ़े ना कि भी आरएमएस जो होता है वो वी नॉट बाय रूट 2। क्वेश्चन पढ़िए, एक आपको आरएमएस वोल्टेज इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मेंस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट लिखा हुआ है, कहने का मतलब वो आरएमएस लिखा हुआ रहता है, या कोई भी डिवाइस यूज करता है आरएमएस, तो आरएमएस दे चुका, और इक्वेशन में भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यानी एक चाहिए भी नॉट, एक चाहिए ओमेगा। निकाल लीजिए यहां से भी नॉट, भी नॉट निकालिएगा तो आ जाएगा भी आरएमएस इंटू रूट 2। वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है जी, वी आरएमएस की हमारी वैल्यू है 220, तो 220 इंटू रूट 2 कीजिएगा तो लगभग में 311 वोल्ट आ जाएगा। तो अब इक्वेशन कर लीजिए, वी इक्वल टू भी नॉट हो गया 311, साइन ओमेगा हो गया 314 टी, बस देखिए आपका आंसर हो गया। इसे भी नोट कर लीजिए, माइंड में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो उससे एक भी नॉट जो और जो ओमेगा निकलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और कभी कभी जब इक्वेशन एक रिजल्ट दिया रहेगा तो इसके जरिए इक्वेशन बनवाएगा, जैसे यहां पे बनवाया, ये देखिए यहां पे ये आंसर हो गया और यहां पे हमारा ये आंसर हो गया। चलिए मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो इसे जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखते 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 आपसे क्वेश्चंस फुल्ली बनने लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि एक एसी वोल्ट मीटर 50 वोल्ट रिकॉर्ड करता है, मतलब एसी वोल्ट मीटर में जब लगाते हैं उसको तो वो रिकॉर्ड करता है 50 वोल्ट, कहने का मतलब 50 वोल्ट दिखाता है कि सर्किट में 50 वोल्ट बह रहा है। तो सबसे पहला बात मेरा आप लोगों से ये है कि अगर 50 वोल्ट वो दिखा रहा है तो वो कौन सा वोल्टेज दिखा रहा है, जल्दी बोलिए। वोल्ट मीटर लगाएं तो 50 वोल्ट, देखिए एवरेज तो दिखाएगा नहीं क्योंकि एवरेज 0 होता है, इंस्टेंटेनियस यानी जो वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस होता है ये भी नहीं दिखाएगा क्योंकि तो लगातार बदलते रहता है हर बार छन 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 पे तुरंत तुरंत, तो ना तो एवरेज दिखा रहा है ना इंस्टेंटेनियस, क्या दिखाएगा। मैंने बताया ना कि आरएमएस दिखाता ये सारा डिवाइस, तो कहने का मतलब सेम क्वेश्चन वैसा ही हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एसी वोल्ट मीटर आपका लगाने पे 50 वोल्ट दिखा रहा है, यानी वी आरएमएस की वैल्यू 50 वोल्ट दे रखी है, वी आरएमएस 50 वोल्ट। ओके, और वी आरएमएस 50 वोल्ट दे रखा है और कह रहा है कि जब उसको जोड़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसका 50 हर्ज है,
जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 50 हर्ज है। कितना फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ज। देखिए 50 हर्ज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्टेज का इक्वेशन लिखिए। बस इजी क्वेश्चन है जी। वोल्टेज का इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? 50 हर्ज आपको सेम क्वेश्चन तो हो गया, देखिए ना सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं इसे यहां पे साफ करता हूं, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया। नहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, देखिए ना क्वेश्चन में आपको वी आर एम एस दे चुका है। कितना वी आर एम एस दे चुका है? 50 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दे चुका है 50 हर्ज। तो पहले क्या निकाल लीजिए आप? पहले आप निकाल लीजिए ओमेगा, क्योंकि इक्वेशन लिखने में ओमेगा का यूज आएगा। तो ओमेगा के लिए आपका फ्रीक्वेंसी तो सेम आ जाएगा। वी आर एम होता है नोट बाई रूट टू, वी नोट भी चाहिए आपको, तो वी आर एम इंटू रूट टू, यहाँ 50 इंटू रूट टू हो जाएगा, 50 इंटू रूट टू। या तो 50 रूट टू छोड़ दीजिए या सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सब आप पर डिपेंड करता है। ये तो आप पर डिपेंड करता है। यस, जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 70.7 वोल्ट। 70.7 वोल्ट, ये देखिए 70। क्लियर? तो वी इक्वल टू वी नोट, वी नोट की वैल्यू आ गई 70, यानी वोल्टेज जो मैक्सिमम वैरी करेगा वो 70.7 वोल्ट तक जाएगा। जीरो से बढ़ते बढ़ते 70.7, फिर घटते घटते जीरो, फिर उल्टा डायरेक्शन में 70.7, ये और इनटू हो गया आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए मैं साइड हटता हूं। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से आप नोट कीजिए। नोट कीजिए तो मतलब कि सिंपल सा वे में अगर पीछे का क्लासेस किए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर अच्छे से पढ़ते हैं समझ समझ कर तो देख कर आपको पता चलेगा कि कौन कहां से कैसे आ रहा है। ये देखिए आइडिया लग रही है आपको चीजें। ओके बच्चे, क्लियर हो रही है ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है ये क्वेश्चन ये बोला है, अभी अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे मैं साफ कर दे रहा हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कह रहा है कि एसी जो मेंस है उसमें 220 वोल्ट लिखा हुआ है एसी के मेंस पे। तो पहले तो आंख बंद करके 220 वोल्ट लिखा हुआ तो माइंड में डाल लीजिए कि आरएमएस वोल्टेज है 220 वोल्ट। ये तो माइंड में डाल लीजिए कि आरएमएस वोल्टेज है 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इंडिकेट किया हुआ है। तो कह रहा व्हाट इज एवरेज वोल्टेज ईएमएफ वाजीवा ड्यूरिंग पॉजिटिव एवरेज। एवरेज पे क्वेश्चन आ गया, देखिए एवरेज पे, एवरेज हाफ साइकिल के लिए एवरेज कह रहा है। हाफ साइकिल के लिए आपको पता है ना कि हाफ साइकिल के लिए अगर एवरेज निकालेंगे, भी एवरेज या ई एवरेज बोलिए, तो ये हमारा कितना होता है 2V0/π। अभी ने देखे थे कि एवरेज वैल्यू जो हमारा होता है वो 2V0/π होता है। बस तो आपको वी नॉट पहले चाहिए, तो एक काम कीजिए वी आरएमएस से पहले वी नॉट निकालिए। आरएमएस दिया हुआ है और एवरेज आपसे पूछ रहा है, और एवरेज में आरएमएस नहीं हो जाता कि डायरेक्ट आरएमएस लिख ले। एवरेज में तीन वैल्यू होता है ना जी, देखिए एक होता है मेनली, तो दो ही होता है, एक पीक वैल्यू जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दूसरा आरएमएस वैल्यू जो कहीं पर लिखा हुआ रहता है या डिवाइस उस पर काम करता है, तीसरा कहीं कहीं एवरेज नजर आता है। ओके, ये तीन ही है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि आरएमएस से पहले वी नॉट निकाल लीजिए इस फार्मूला से। अभी आपको पता है ना कि वी आरएमएस इक्वल टू होता है वी नॉट बाई रूट टू। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां से वी नॉट निकालेंगे तो वी आरएमएस इंटू रूट टू, और अभी आपको पता है कि कितना आ जाएगा वी आरएमएस, आपको पता है 220 इंटू रूट टू। सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को पता है कि लगभग आ जाएगा 311 वोल्ट, लगभग में आ जाएगा 311 वोल्ट। ओके, तो अब कह रहा है एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए। वी नॉट निकल गया ना, वी नॉट निकल गया ना, तो अब एवरेज निकाल लीजिए। वी एवरेज निकाल लीजिएगा तो वी एवरेज इक्वल टू होता है 2V0/π। तो हमारा 2 हो गया 2, वी नॉट का वैल्यू 311, पाई का वैल्यू 3.14। जब पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो लगभग में 198 वोल्ट हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान देके क्वेश्चन में कह रहा हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए एवरेज पूछता तो लेट देख के जीरो हो जाता, समझ रहे हैं? पूरे साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू पूछ देती तो ले देकर क्या हो जाता, जीरो। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, आपको एकदम माइंड में ना पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे काम कर रहा है। जो क्वेश्चंस कीजिएगा उसके बारे में सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। नोट कीजिए जल्दी से। ओके, कर लिए नोट मेरे बच्चे? तो याद रखिएगा यह बात, क्या कि जो इंस्टेंटेनियस होता है वो बार 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 हर बार इंस्टेंटेनियस बदल रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए जीरो था, जो भी डिवाइस वगैरह काम कर रहा है सब आरएमएस पर काम कर रहा है, और आरएमएस में और मैक्सिमम में ये रिलेशन होता है, और एवरेज में और मैक्सिमम में, आरएमएस मैक्सिमम ये जो है पीक वैल्यू, इसमें ये रिलेशन, और एवरेज और मैक्सिमम में ये रिलेशन होता है। चलिए इसे भी करता हूं साफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा करनी है ना हम लोगों को, क्वेश्चन करने से ही फॉर्मूला वगैरह या कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होगा ना, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना भुला दीजिए। एग्जाम के टाइम में ना टॉप 10 क्वेश्चन सर्च करते हुए नजर आएगा, आइएगा स्वयं दोस्त से पूछते आइएगा, टीचर से सर VBI क्वेश्चन कौन है, टीचर से बोलते हुए नजर आइएगा VBI क्वेश्चन कौन है, VBI क्वेश्चन, तो ऐसी बातें होंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज है, ओके मैक्सिमम वैल्यू 120 वोल्ट बह रहा है, ओके चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, करंट का फ्रीक्वेंसी दिया 60 हर्ज, कितना दिया या 60 हर्ज, फ्रीक्वेंसी दिया 60 हर्ज, तो एक काम कीजिए पहले ओमेगा निकाल ही लीजिए, ओमेगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू 2π आपको पता है, तो 60 इंटू 2 इंटू 3.14 कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो याद आएगा, जब फ्रीक्वेंसी निकालिएगा ये सब सॉल्व करने के बाद ओमेगा की वैल्यू, तो यहां से कितना आ जाएगा 120π, हाँ वही चीजें हैं, पाई में रहने दीजिए, नहीं तो छोड़िए ना 60 into 2π, आगे जाके काटना ही पड़ेगा, यस रहने दीजिए पाई में मत पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 125, ये निकल गया ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ओके नेक्स्ट। अच्छा फ्रीक्वेंसी के बाद क्या दिया हुआ है, कह रहा है करेंट का मैक्सिमम वैल्यू, अल्टरनेटिंग करेंट है, मैक्सिमम वैल्यू 120 वोल्ट, यानी आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 120 वोल्ट, आई नॉट डायरेक्ट दे दिया है, आई नॉट मैक्सिमम सर 120 एम्पियर, बाबू क्या बोल देते हैं 120 एम्पियर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट का इक्वेशन, ये तो ऐसी चुटकी लिख लीजिएगा ना भैया, करंट का इक्वेशन आई इक्वल टू का होतवा जी, का होतवा जी, I इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी होतवा जी, तो आई नॉट का वैल्यू 120 दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू जी, साइन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 120 पाई इंटू टी जी, ये निकल गया पहला जी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट पुट करना, ओमेगा पुट करना फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल दिए, कभी कभी फ्रीक्वेंसी की जगह पर टाइम पीरियड दिया रहेगा तो वहां से भी निकालिएगा ओमेगा 2π / ओमेगा से, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π / ओमेगा होता है तो वहां से भी यूज करवाएगा, वो डिपेंड करता है पूछने वाले पर कि क्या पूछता है। ओके अगला क्या कह रहा है देखिए, ओके कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चल लेकर चलिए कि क्या बोलता है कि करंट हमारा शुरू में जीरो है, कहने का मतलब यही हुआ, और पॉजिटिव की ओर जा रहा है करंट, तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस 1/360 सेकेंड पे, करा जब t का वैल्यू 1/360 सेकेंड है, 1/360 सेकेंड, तब करंट कितना होगा, तो कुछ नहीं टाइम पुट कर दीजिए करंट का इक्वेशन में, निकल जाएगा करंट, i तो पूछ रहा है, i इक्वल टू 120 साइन ओमेगा 120 पाई t आया ना, तो इसमें t का वैल्यू रख दीजिए, आई निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट तो पूछ रहा है, इससे पहले वाला जो इंस्टेंटेनियस करंट निकाले थे उसमें साइन का वैल्यू फिट नहीं कर पाया था, याद कीजिए 3π/10 आ गया था, साइन का वैल्यू तो फिट नहीं कर पाया था, लेकिन यहां तो कर जाएगा, देखिए कैसे करेगा, 120 आपका 120 हो गया मैक्सिमम, साइन आपका साइन हो गया, और 120π t, तो 120π और t की वैल्यू हमारी कितनी है 1/360, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहां से पाई बाई थ्री आ गया, सॉल्व कर सेट कर गया ना, 120 साइन और अंदर में पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री मीन साइन 60 डिग्री, कितना होता है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ना, √3/2 ही ना होता है बबुआ जी सर, तो 120 into √3/2, जब इसे पूरे को सॉल्व कीजिएगा काट छाट के, तो काट छाट के सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा हमारा 60√3, और 60√3 103 पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, √3 का वैल्यू पुट कीजिएगा, ओके 1.732, तो 103.92। अब इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछ रहा है कि आई का वैल्यू कितना होगा, इतने सेकंड पे करंट कितना होगा, इतने सेकंड पे करंट कितना होगा, इतने सेकंड पे वोल्टेज कितना होगा, वो तो पूछने वाला पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। सी नंबर पढ़िए, तो
सी नंबर में कह रहा है कि करंट जब बार बार बदल रहा है, तो सी नंबर में क्या कह रहा है कि जब करंट हमारा 96 एम्पियर होगा, हुआ होगा 0 से 96 पहली बार, तब कितना टाइम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सी नंबर में देखिए आई का इक्वेशन दे रखा है। कितना आई का इक्वेशन आया बताइए मुझे, आई का इक्वेशन क्या आया भाई? तो आई का इक्वेशन आया 120 sin 120 pi t। तो कह रहा आई का वैल्यू जब हमारा 96 एम्पियर होगा तब टाइम कितना होगा, निकाल लीजिए। आई का वैल्यू 96 इक्वल टू 120 साइन 120 पाई टी, इसको इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो 96 बाई 120 कर लीजिएगा। इसको तो आप कर ही सकते हैं, सॉल्व कर ही सकते हो। ओके, तो 0.8 आ जाएगा लगभग में ये। तो यहां से 96 बाई 120 मतलब 0.8 इक्वल टू साइन 120 पाई टी, सॉल्व कीजिएगा। यहां से आ गया, इसी को मैं आगे लिखता हूं, तो यहां से आ गया साइन 120 पाई टी, यानी अंदर का जो एंगल है साइन 120 पाई टी इक्वल टू ये 0.8। 0.8 कहने का मतलब 8 बाई 10 कहने का मतलब 4 बाई 5। आप लोग को ये पता है बच्चे कि साइन कितने डिग्री बराबर 4 बाई 5 होता है, कोई बताइए? तो मैं बताऊं, 53 डिग्री बराबर। साइन 53 डिग्री इक्वल टू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन 53 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है साइन 4 बाई 5। नहीं पता तो जान लीजिए 53 डिग्री मतलब कितना, तो साइन इतना इक्वल टू इतना है बच्चे, कहने का मतलब ये एंगल 53 डिग्री होगा। 120 पाई टी इक्वल टू अंदर का एंगल 53 डिग्री, जैसे साइन कुछ वैल्यू ऐसे आ गया, मान लीजिए अंदर का साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आया, तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री बोलते हैं ना हम लोग, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 आया, तो हंसकर बोलते हैं ना कि यहां पे एक्स की वैल्यू जो हमारी होगी वो 30 डिग्री होगी, याद कीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी? यस सर, 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 यस सर। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। यहां देखिए क्वेश्चन में कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू 1/2, तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री पाई बाई 3 बोलते हैं ना, पाई बाई 6, तो वैसे ही साइन इसका वैल्यू 4/5 आया, यानी अंदर का एंगल होगा 53 डिग्री को बदल लीजिए किस में, रेडियन में, कैसे, पाई बाई 180 से इंटू करके, क्योंकि एंगल रेडियन में सब है, मतलब साइन 53 डिग्री बोलिए या रेडियन में, तो ये होगा 53 डिग्री, या 53 डिग्री का जो रेडियन होगा वो ये होगा उसके इक्वल, बस। यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इतना आया, और ऐसे लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो 12th के स्टूडेंट्स हैं, इतने तो समझदार होंगे ही कि साइन हमारा 53 डिग्री के बराबर ये होगा अंदर में, वो 4/5 होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया 53 डिग्री, उसको रेडियन में बदल दिए, सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, यहां से टी निकालिएगा तो आ जाएगा 53 divided by 120 into 180। चलिए आपके साथ मैं अभी निकाल लेता हूं कितना आता है, 53 divided by 120 into 180। अभी मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए बच्चे क्या आ रहा है, अभी मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ओके, 53 divided by 120 जो आया into 180, लगभग में ये वैल्यू आ रही है 0.00246 या 245, लगभग में आ रहा है 0.00245 बोलिए या 246 बोलिए, ये आ रहा है। ओके, यानी इतने सेकेंड पे करंट हमारा 96 एम्पियर होगा, समझ रहे, मतलब करंट जो बार बार बदल रहा है ना, इससे देखिए ना, करंट आपका बार 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 बदल रहा है ना, तो करंट जो आपका बार बार बदल रहा है वो कभी ना कभी करंट आपका जीरो होगा। मैं कह रहा हूं करंट आपका जो हर बार 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 जो बदल रहा है, तो कभी ना कभी तो करंट आपका जीरो होगा ना। यस सर, होगा जीरो, तो कभी ना कभी करंट जीरो होगा मेरे बच्चे। तो कह रहा है कितने देर के बाद पहली बार करंट हमारा 96 एम्पियर होगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम 120 एम्पियर तक जा रहा है। देखिए मैक्सिमम करंट, यहां इक्वेशन देखिए, मैक्सिमम करंट 120 एम्पियर क्वेश्चन जा रहा है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कब 96 एम्पियर होगा, तो उतने सेकंड में, वो जल्दी जल्दी नहीं प्रक्रिया होता है, पता है आपको। तो ये तो क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे करेंगे वैसे वैसे आपके लिए इजी होते जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, मैं साइड हटा, मेरे बहादुर नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये लीजिए। तो मैं इसे कर देता हूं साफ, मैं इसे कर देता हूं साफ, ये देखिए
मैं इसे कर देता हूं साफ। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये सब चीजों को माइंड में रखिएगा। तो धीरे धीरे रखते 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 आपका ऐसे ही जो स्टडी है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग स्ट्रांग, ऐसे ही आपका स्टडी स्ट्रांग होगा। ओके, तो चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सुनिए, आगे बढ़कर क्या पढ़ेंगे, तो आगे बढ़कर हम लोग मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स देखेंगे एक टर्म, कौन सा टर्म, छह टर्म देख लिए थे, सातवां टर्म नंबर सेवन, ये सब क्वेश्चंस था बीच में, नंबर सेवन लिखिए, तो सातवां टर्म क्या है, जो नंबर सेवन लिखिए, नंबर सेवन सातवां टर्म है फेज एंड फेज डिफरेंस, ये देखिए सेवंथ टर्म है फेज एंड फेज डिफरेंस, ये क्या होता है समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये समझना बहुत जरूरी है, कौन सा चीज समझना, फेज एंड फेज डिफरेंस, क्या होता है फेज एंड फेज डिफरेंस समझिए, चलिए मैं समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा क्या होता है फेज एंड फेज डिफरेंस। देखिए मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी इक्वेशन जो बार बार करंट या वोल्टेज का बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इक्वेशन बोल रहे थे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही बोल रहे थे ना, या I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू क्या बोल रहे थे, I नॉट साइन ओमेगा टी, यही बोल रहे थे ना। तो हम लोग जो बोल रहे थे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन के अंदर जो एंगल दिख रहा है ना, साइन के अंदर जो एंगल, उसी को बोलते हैं फेज। नहीं समझ में आया, देखिए मैं लिखता हूं इक्वेशन, समझिए V इक्वल टू V नॉट साइन, इसको समझिएगा अच्छे से, साइन ओमेगा टी मैंने लिखा, ओके, या I इक्वल टू मैंने लिखा I नॉट साइन ओमेगा टी, से भी देख लीजिए, या तो बोल लीजिए V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन के अंदर में ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल, ये देखिए जो एंगल साइन के अंदर में ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये कोण, कोण बोलिए, एंगल बोलिए, जो एंगल दिख रहा है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं फेज मेरे बच्चे। तो क्या मेरे लिए ये याद रखिएगा कि अंदर में इस एंगल को बोलते हैं फेज। हालांकि फेज को बढ़िया से फील करने के लिए ना, फील करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि क्लास इलेवेंथ का वेव टॉपिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वेव स्ट्रांग होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा कि सच में इस मनी सर इसी को अंदर में बोलते हैं फेज। या यूं बोलिए कि जो ऐसे हम दिखाए थे ग्राफ को, पहले ही देखिए ऐसे दिखाए थे ग्राफ को, तो इस ग्राफ में यहां जो वैल्यू था, यहां जो वैल्यू था, या बोलिए जो यहां जो एंगल था 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, फिर यहां पे 270 डिग्री, फिर यहां पे 360 डिग्री, तो कहने का मतलब ये जो एंगल दिख रहा था ना, यही हमारा फेज था एक तरीके से। साइन के अंदर में जो रहेगा वो एंगल ही रहेगा ना, वैसे तो टाइम के अकॉर्डिंग ही फेज दिखाया जाता है। कहने का मतलब एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है ना फेज, जिसमें ऊपर कोई वेव डिपेंड करता है। जैसे देखिए ना, आपका ये अंदर में ओमेगा टी बदलते जाएगा, टी बदलेगा तो ओमेगा टी बदलते जाएगा। तो अगर अंदर का ये ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी बार 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 हर बार हर बार हर बार बदलते जाएगा, तो क्या लगता है आपको, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अंदर का ओमेगा टी अगर बार बार बदलेगा तो ओमेगा टी को बार बार बदलने के कारण, मैं कह रहा हूं बार बार बदलने के कारण ओमेगा टी को, ओके, ओमेगा टी को मैंने क्या बोला, ओमेगा टी को बार बार बदलने के कारण ये पूरा वैल्यू बदलेगा, वी और आई का वैल्यू बदलेगा। तो ये अंदर में जो टर्म है ना ओमेगा टी, इसी को बोलते हैं फेज। चलिए मेरे बच्चे, मैं आपसे इतना आशा करूंगा कि मेरे लिए समझ आइएगा कि सच में सर फेज ये बता रहा है ना कि एक तरीके से कितने पर क्या वैल्यू होगा। जैसे मैं सिंपल कंडीशन में करूं तो अगर मैं बोलूंगा कि करंट 90 डिग्री फेज पर, सिंपल कंडीशन में बोलूं तो अगर मैं बोलूंगा करंट 90 फेज पे है तो आपको माइंड में आ जाएगा ओ इसका मतलब करंट 90 फेज का मतलब मैक्सिमम पे आ गया होगा। ये अंदर का एंगल, यहां भी देखिए कि अगर अंदर का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा
तो आपका करंट या वोल्टेज मैक्सिमम होगा, साइन 91 होता है मैक्सिमम, तो करंट या वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो देख करना ये जो फेज है ना, ये सुनने के बाद पोजीशन पता चल जाता है वेव का, पोजीशन की कहां पे क्या है, पोजीशन पता चल जाता है। ओके, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं मेरे बच्चे, क्या कि अगर यहां पे फेज ओमेगा टी लिखा हुआ, देखिए अगर यहां पर फेज हमारा कितना लिखा हुआ है, ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा टी फेज, हमने क्या बोला कि अगर यहां पे फेज हमारा ओमेगा टी लिखा हुआ है मेरे बच्चे, तो ये देखकर आपको आइडिया लगनी चाहिए। क्या आइडिया लगनी चाहिए, देखकर, ये देखकर आपको आइडिया लगनी चाहिए कि सर इसी पर, इसी ओमेगा टी, देखिए वी नॉट तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट कांस्टेंट है ना बच्चे, वो तो पीक वैल्यू, अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट है, 311 वोल्ट है तो 311 वोल्ट है, 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट है, या करंट में भी ओमेगा टी मिलने है कि ये बदलेगा तो हमारा वोल्टेज बदलेगा, तो इसी ओमेगा टी को बोलते हैं फेज। चलिए फेज तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस क्या होता है समझिए, इसे भी फेज डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा, ओके ओके सर, आपने करंट का इक्वेशन लिखा, ओके ओके सर, तो वोल्टेज का भी कुछ अपना फेज होगा और करंट का भी कुछ फेज होगा, यस सर यस सर यस सर। तो दोनों के फेज के बीच का जो डिफरेंस होगा, घटाव माइनस, उसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। अब बच्चे बोल देंगे सर तब तो यहां वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी है, करंट का भी ओमेगा टी, हाँ हाँ हाँ, तो सर अगर दोनों का फेज ओमेगा टी है सर, तो फेज डिफरेंस तो हमेशा दोनों के बीच जीरो ना आएगा सर। बच्चे बोलते हैं कि सर इसका भी फेज ओमेगा टी सर, इसका भी फेज ओमेगा टी सर, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस निकालेंगे सर, तो वो जन्म जन्मांतर तक जीरो ना आएगा सर। और सही सच में जीरो आना चाहिए अगर इस कंडीशन में, तो क्योंकि इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी घटाएंगे तो जीरो होगा, लेकिन हमेशा नहीं होता सच में। आप लोग ये तो समझ गया कि दोनों के फेज के बीच का जो घटाव होगा माइनस होगा उसे बोलेंगे फेज डिफरेंस। फेज हो गया साइन के अंदर का जो टर्म है, फेज हो गया, और उसके बाद यहां जो दोनों फेज के बीच का जो माइनस होगा उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, और यहां पे अभी फिलहाल में फेज डिफरेंस जीरो है। लेकिन सच बोलूं बच्चे, करंट और वोल्टेज देख सकते हैं, वोल्टेज यहां करंट है, तो करंट और वोल्टेज का फेज तभी सेम आता है ना, तभी सेम आता है ना जब आपके सर्किट में सिर्फ रजिस्टर हो। जैसे आपने जो एसी से जो भी चीज जोड़ा है सर्किट में, बल्ब वगैरह जोड़ा है, जो भी डिवाइस जोड़ा है, तो अगर उसमें सिर्फ रजिस्टर है, ओनली ओनली अगर रजिस्टर है उस सर्किट में, ओनली रजिस्टर, तभी जाके दोनों का फेज सेम आएगा। दोनों का फेज सेम आएगा कहने का मतलब कि जब हमारा वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जिस टाइम पे पहुंचेगा, उसी टाइम पे करंट भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। ये देखिए करंट का भी ग्राफ ऐसे होगा, उसे करंट कम आएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि करंट उतना ही आएगा, वोल्टेज हो सकता है ज्यादा आए, करंट हो सकता है कम आए, लेकिन जब ये 90 मतलब जब जिस टाइम पे वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, वोल्टेज मैक्सिमम, उसी टाइम पे आपका करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। सेम फेज का मतलब ये हुआ, जब आपका वोल्टेज अपने हाफ वैल्यू पे रहेगा तो उस समय करंट भी हाफ हो जाएगा अपना वैल्यू का। तो आप लोग उसको उस तरीके से ज्यादा सीरियस लेके मत पढ़िए, बस इतना भी जानिए फिलहाल के लिए, आगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इतना जानिए कि जो साइन के अंदर वोल्टेज के इक्वेशन में या करंट के अंदर हुआ, करंट के इक्वेशन में साइन के अंदर जो हमारा ओमेगा टी दिख रहा है या ओमेगा टी के अलावा कुछ भी अगर हो सकता है वहां, तो उसे हम लोग बोलते हैं फेज। और दोनों के फेज के बीच का जो माइनस होगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दोनों के फेज के बीच का जो माइनस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग फेज डिफरेंस। ठीक है, अब जो बातें माइंड में आया कि सर इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस तो हमेशा जीरो आएगा। हाँ आएगा, लेकिन कब, जब दोनों का फेज ओमेगा टी यानी सेम रहेगा। और दोनों का फेज ओमेगा टी सेम कब रहेगा बच्चे, तो मैंने बोला कि दोनों का फेज सेम तब रहेगा जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर हो। सच बताएं, जब सर्किट में रजिस्टर के अलावा कोई और भी डिवाइस आ जाए, देखिए मैं बताता हूं, देखिए समझिए, सच बताएं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर्किट में अगर मान लीजिए अभी, अगर मैं अभी का ग्राफ ड्रॉ करूं, देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा अभी का प्रेजेंट का, अगर वोल्टेज का ग्राफ ये ऐसे बनता है, देखिए एक वन साइकिल का, तो वोल्टेज का ग्राफ आपका अगर यहां से देखिए,
ऐसे बनता है मेरे बच्चे, अगर वोल्टेज का ग्राफ देखिए, वोल्टेज का ग्राफ अगर बनता है ऐसे, तो अभी के सिचुएशन में करंट का ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब दोनों का फेज सेम होगा। दोनों का फेज सेम होने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, तो सेम टाइम में हमारा करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। देखिए इसी टाइम पे वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू, या इधर भी सेम चीज है। तो ये हुआ अभी का ग्राफ। लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा आसानी रहेगा, पता है सर्किट में अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए रजिस्टर के अलावा, सर्किट में अगर मान लीजिए रजिस्टर के अलावा आपका इंडक्टर आ जाता है, इंडक्टर जो स्प्रिंग टाइप का हम लोग पढ़े थे, या कैपेसिटर आ जाता है, तो ऐसा होता है ना कभी कभी, इंडक्टर या कैपेसिटर आने की वजह से ऐसा ऐसा कभी कभी होता, आगे जाके पढ़िएगा भी, कि वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, वोल्टेज आपका मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, करंट अभी पीछे है, करंट नहीं, मतलब ऐसा ग्राफ मिलेगा। देखिए ऐसा भी मिल सकता है, देखिए अगर वोल्टेज का ग्राफ दिखाऊं, ऐसे वोल्टेज का अगर ऐसे ग्राफ दिखाऊं, ऐसे भी हो सकता है, वोल्टेज का ग्राफ दिखाऊं, तो वोल्टेज का ग्राफ दिखाओ, तो वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो करंट उस समय क्या होगा कि हो सकता है आपका करंट पीछे ही रहे, देखिए मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे ही नहीं। या बहुत तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो तो मैं आपको बताता हूं। हां लेकिन एक चीज है मेरे बच्चे, यह बात पक्का है, ये चीज पक्का है कि जैसे जैसे आगे पढ़िएगा आपको ये चीजें क्लियर होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि कभी कभी ये होगा कि वोल्टेज आपका मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया और करंट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा ही नहीं है, करंट में सभी करंट आपका पीछे ही है, वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंच गया और करंट आपका पीछे, तो ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि करंट आपका पीछे, मतलब देखिए ऐसा ग्राफ कुछ मिलेगा, ये वोल्टेज का ग्राफ हुआ और करंट का कुछ ऐसा ग्राफ मिल सकता है, ये देखिए, ऐसा मिलेगा, मतलब कि वोल्टेज देखिए यहीं पे मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, यहीं पे वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, समझिए, और करंट यहां पे जाके मैक्सिमम वैल्यू पे आया, ये देखिए यहां पे जाके मैक्सिमम वैल्यू पे आया करंट, ऐसे करके देखिए अगर ग्राफ को, तो करंट यहां पे आया। तो कहने का सेंस क्या हुआ, ये सब तो सारा ग्राफ आगे जाके डिटेल में पता चलेगा, कहने का सेंस कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपका वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम ही हो, ऐसा हो सकता है कि किसी का फेज ज्यादा हो किसी का कम हो। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, इसमें वोल्टेज का फेज ज्यादा है, वोल्टेज पहले ही मैक्सिमम आ गया, करंट बाद में मैक्सिमम पहुंचा, इसमें वोल्टेज का फेज ज्यादा और करंट का फेज कम है, तो उस समय ग्राफ को ऐसे, इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, देखिए वोल्टेज का फेज ज्यादा करंट का फेज कम है, तो अगर हम लिखते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इक्वेशन लिखते हैं आई इक्वल टू, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने बोला कि करंट के फेज से वोल्टेज का फेज आपका अधिक है। मैंने क्या बोला, करंट के फेज से, देखिए करंट के फेज से वोल्टेज का जो आपका फेज है वो अधिक है, तो अगर आप वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं तो v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t ना लिखकर ओमेगा t में कुछ और एंगल ऐड करना पड़ता है। ये फीलिंग से समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, सुनिए मेरी बात को फाइनलाइज कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ये जरूरी नहीं कि आपका करंट और वोल्टेज का जो फेज हो, जो कला हो, करंट और वोल्टेज का जो फेज हो, जो कला हो, ये जरूरी नहीं कि दोनों का समान हो। तो ये तो आप लोग सहमति से समझ गए, हां सर मैं समझ गया कि जरूरी नहीं है कि दोनों का जो कला है वो क्या हो, समान हो, ये मैं समझ गया सर। चलिए ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई चीजें, क्लियर हो गया सर, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि कला समान कब नहीं रहेगा, दोनों का कला मतलब वही होता है फेज, फेज समान क्यों नहीं रहेगा, तो फेज इक्वल तब नहीं रहेगा जब सर्किट में रजिस्टर के अलावा कोई दूसरा डिवाइस आ जाए, कैपेसिटर इंडक्टर, तब। तो मैंने बोला कि उस समय क्या होगा कि कोई का आगे बढ़ जाएगा, वोल्टेज आगे बढ़ जाएगा, करंट पीछे रह जाएगा, तो मैंने बोला कि वोल्टेज आगे बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज आगे बढ़ जाएगा, तो अगर आप करंट का फेज दिखाते ओमेगा टी, तो वोल्टेज का फेज आगे ना है, ज्यादा है ना, तो उसको ओमेगा टी प्लस फाइव से दिखाना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव से, ओके। और जिसका फेज ज्यादा, इसको कहा जाता है लीडिंग क्वांटिटी, लीड कर रहा है वो, और जिसका फेज कम, कहने का मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि करंट के फेज से वोल्टेज का फेज फाइव अधिक है, या ये बोलिए कि वोल्टेज के फेज से
करंट का फेज हमारा फाइव कम है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी बहुत समझना है, समझिएगा ध्यान से, इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चा बोलेगा ये सर अगर हम लिखना चाहें लिख वोल्टेज में लिखें वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिख सकते हैं, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेज में अगर लिखते हैं वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और आपको पता है कि आपका वोल्टेज आगे है फेज में, तो करंट में लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये दोनों के दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। कैसे, देखिए इसमें क्या बोलिएगा दोनों को देखकर कि करंट का फेज ओमेगा टी है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, यानी वोल्टेज हमारा फाइव एंगल ज्यादा है, फाइव फेज अधिक है, वोल्टेज का जो फेज है इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वोल्टेज का फेज फाइव अधिक, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है फाइव से। वोल्टेज जो है हमारा करंट के रिस्पेक्ट में लीड कर रहा है फाइव फेज से, या करंट हमारा लैग कर रहा है फाइव फेज से, करंट हमारा पीछे हो रहा है या वोल्टेज हमारा आगे हो रहा है, जो बोलिए। अच्छा, इस इक्वेशन को देखकर क्या बोलिएगा, बोलिएगा वोल्टेज का फेज हमारा ओमेगा टी है और करंट का फेज हमारा ओमेगा टी माइनस फाइव है, यानी करंट हमारा फाइव फेज पीछे है, यानी कि वोल्टेज फाइव फेज आगे, तो सेम चीज हो गया ना। ये चीजें यहां देख के बोलते हैं कि वोल्टेज फाइव फेज आगे है यानी करंट फाइव फेज पीछे है, यहां बोलते हैं कि ओमेगा टी माइनस फाइव यानी करंट फाइव फेज पीछे है यानी वोल्टेज फाइव फेज आगे, तो सेम चीज ना, यहां वोल्टेज फाइव फेज आगे ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां देखिए करंट से हमारा क्या है वोल्टेज से पीछे है करंट, तो दोनों सेम हुआ, और एक आगे तो एक पीछे होगा ना, करंट से वोल्टेज आगे बोलिए, और यहां भी सेम चीज, करंट से हमारा वोल्टेज आगे, ये ओमेगा टी माइनस फाइव यानी करंट पीछे है हमारा, करंट पीछे है, तो दोनों सेम है। तो मुझे बस इतना आपको समझाना है कि आगे तो देखते जाइएगा, आगे जाकर देखते जाइएगा क्या है नहीं है जो, लेकिन एक बात आपको माइंड में मेरे लिए रखना पड़ेगा, क्या ये बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी कि एस मनी सर या सर सर एस मनी सर, क्या कि जरूरी नहीं कि हमारा वोल्टेज और करंट का फेज सेम हो, मतलब ऐसा नहीं कि वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, होगा लेकिन यह तब पॉसिबल होगा जब सिर्फ रजिस्टर, रजिस्टर के अलावा कोई दूसरा कैपेसिटर या इंडक्टर आ जाएगा तब काम बिगड़ जाएगा, तब आगे पीछे होने लगेगा। तो जब हमारा आगे पीछे होने लगेगा तो जो क्वांटिटी आगे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, क्योंकि पूरा वेरी कर रहा है करंट वोल्टेज दोनों वेरी कर रहा है, तो जो पहले मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया उसको कहते हैं लीडिंग, जो लेट से गया उसको लैगिंग, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो दोनों आगे पीछे होता है, वो अलग अलग डिवाइस पर डिपेंड करता है, आगे पढ़ेंगे ओके। तो सर उस समय दोनों का फेज सेम नहीं होगा, तो मैंने एक एग्जांपल आपसे बोला जिसमें बोला कि मान लीजिए वोल्टेज हमारा लीडिंग क्वांटिटी है, वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है लीडिंग, लीड कर रहा है वोल्टेज, वोल्टेज हमारा आगे जा रहा है लीड कर रहा है लीडिंग क्वांटिटी, तो वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी है यानी वोल्टेज कुछ एंगल कुछ फेज ज्यादा होगा करंट से, तो उसको इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। तो मैंने बोला उस इक्वेशन को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस इक्वेशन को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप एक काम कीजिए, आप अगर करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी लगाते हैं, अगर करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी लगाते हैं तब, करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी लगाते हैं तब, तब वोल्टेज के इक्वेशन में आपको ओमेगा टी प्लस फाइव लगाना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज आपका आगे है, या अगर आप वोल्टेज के इक्वेशन में ओमेगा टी लगाते हैं तो वोल्टेज तो आपका आगे है लीड कर रहा है, तो करंट को पीछे दिखाने के लिए ओमेगा टी माइनस फाइव करना पड़ेगा। और यह ग्राफ उसी का है, देखिए यह ग्राफ उसी का है कि वोल्टेज जो हमारा है वो आगे है और करंट हमारा पीछे, देख सकते हैं ये ग्राफ उसी का है बेसिकली, इसके लिए मेनली ये बोल सकते हैं कि इसके लिए ये ग्राफ है, इसके लिए वोल्टेज हमारा ओमेगा टी पे चल रहा है सेम तरीके से और करंट हमारा ओमेगा टी माइनस फाइव कुछ एंगल पीछे हमारा करंट है, ये देखिए, तो उसका ये ग्राफ है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और वैसे सेम चीजों में अगर यहां तो वोल्टेज लीड हो गया, अगर मान लीजिए आपका करंट लीड होता तो करंट में ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, इसमें ओमेगा टी होता, जैसे एग्जांपल के लिए लिखा, तो पहले एक काम कीजिए आप फेज एंड फेज डिफरेंस में लिख लीजिए इस चीज को, पहले हेडिंग कीजिए फेज एंड फेज डिफरेंस, सबसे पहला एग्जांपल का सबसे पहला नंबर व्हेन ओनली रजिस्टर इन सर्किट, व्हेन ओनली रजिस्टर इन सर्किट यानी सर्किट में जब हमारा सिर्फ रजिस्टर हो, देन फेज ऑफ एसी एंड एवी इज सेम, मतलब दोनों का फेज सेम होता है, दैट इज फेज डिफरेंस जो हमारा होगा
ये हमारा हो जाएगा जीरो, फेज डिफरेंस निकालेंगे ओके। यहां पे एग्जांपल टू में मैंने क्या बोला, एग्जांपल बी में, एग्जांपल ए हो गया, एग्जांपल बी में मैंने क्या बोला, व्हेन ए बी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लीडिंग, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हमारा लीड रहेगा तो ऐसे करके दिखाएंगे, देखिए ऐसे करके, या करंट भी लगाते ओमेगा टी तो वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस फाई लगाना पड़ेगा ओके। और साथ साथ में अगर मेरे बच्चे वोल्टेज में ओमेगा टी लगाते हैं तो करंट को पीछे दिखाना है क्योंकि वोल्टेज आपका लीड है, तो माइनस फाई लगाना पड़ेगा ओके। अच्छा यहां फेज डिफरेंस निकालेगा तो कितना आएगा फाई, फेज का डिफरेंस निकालेगा, देखिए इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस फाई, फाई ज्यादा तो डिफरेंस निकालेगा तो वही ना आएगा, यानी हेयर हेयर यहां मैं लिखता हूं हेयर, कैसे कैसे लिखना मैं अभी बता देता हूं रुकिए, या यहां नीचे लिखता हूं हेयर फेज डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा डिफरेंस, एक का ओमेगा टी प्लस फाइव, किसी भी बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है माइनस ओमेगा टी निकालिएगा तो फाइव यहां से आएगा क्लियर, यानी फाइव हो गया फेज डिफरेंस, इससे इतना ज्यादा यानी दोनों का डिफरेंस फाइव होगा। तो अब आपको क्या करनी है सुनिए मेरी बात, चार टर्म मैं आपको लिखाऊंगा, एक दो नहीं बल्कि चार चार टर्म लिखाऊंगा, और जब मैं आपको चार टर्म लिखाऊंगा, दो टर्म तो आपको ऊपर दिख रहा है कौन कौन सा, फेज एंड फेज डिफरेंस उसको लिखाऊंगा, उसके बाद अगला फेजर और फेजर डायग्राम भी लिखाऊंगा, और तब जाके मैं क्या करूंगा इन सब फिगर को ड्रॉ करवाऊंगा। तो सेवंथ नंबर टर्म कीजिए फेज एंड फेज डिफरेंस कीजिए, तो सेवंथ नंबर टर्म आपको करना है फेज एंड फेज डिफरेंस, और लिखिए उसमें फेज एंड फेज डिफरेंस में लिखिए लिखिए इन इक्वेशन ऑफ एसी एंड एबी, इन इक्वेशन ऑफ एसी एंड एबी, एबी टर्म ओमेगा टी इज नोन एज फेज, टर्म ओमेगा, मैं बोला इन इक्वेशन ऑफ एसी एंड एबी टर्म ओमेगा टी इज नोन एज फेज, ओमेगा टी इज नोन एज फेज ओके, ओमेगा टी इज नोन एज फेज ओके। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखिए, ओमेगा टी लिखिए कि जैसे अगर मैं बात करूं इफ वी इक्वल टू हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी है देन फेज कितना होगा ये बताइए, अगर ऐसा है तो फेज हमारा कितना होगा ओमेगा टी, फेज क्या होगा बच्चे ओमेगा टी ओके, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो भी फेज कितना होगा, इसको लिख लीजिए नीचे लिख लीजिए इस चीज को, उसी के इसको लिखिए यहां से, यहां से, यहां ये जो मैं लिख रहा हूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी देन यहां जो फेज होगा यहां भी ओमेगा टी हमारा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन जैसे वी इक्वल टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि दोनों सब सेम फेज पे रहे, तो यहां पे फेज कितना होगा ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव यहां पे फेज हमारा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस भी हो सकता है जैसे मैं करंट के साथ माइनस लिख देता हूं ओके, आई इक्वल टू मान लीजिए आई नॉट शाइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहां पर फेज कितना होगा ये बताइए देन जो हमारा फेज होगा यहां पे हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको अच्छे से बढ़िया से और काफी सुंदर से समझ में आ रहा होगा कि सच में सर फेज किस तरीके से वर्क कर रहा और किस तरीके से वैरी कर रहा है, आपको पता चल गया होगा अच्छे से सुंदर से बढ़िया से पता चल गया होगा। क्लियर मेरे बच्चे, आइडिया लग गई मेरी बातें, ये पूरी बातें आइडिया लग गई या सर? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इस चीज को लिखिए फेज में, जल्दी से लिखिए इस चीज को फेज में। अब उसी के नीचे आरोप देकर लिखिए फेज डिफरेंस के बारे में, इस चीज को नोट कर लेना वहीं पे, फेज लिखे वहीं पे यहां से लेके यहां तक। चलिए इस लिखे फेज डिफरेंस में लिखे द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन, अब नीचे एक लाइन छोड़कर कह रहे हो लिखिए फेज डिफरेंस के बारे में, द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन, द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन ओके, द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन क्या, अल्टरनेटिंग करेंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी एंड एवी, द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन एसी एंड एवी इज नोन एज
इज नोन एज फेज डिफरेंस। इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, समझिए अच्छे से एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इफ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बताइए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस निकालू तो फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो नहीं होगा ना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे तो जीरो आ जाएगा फेज डिफरेंस। नोट कर लीजिए ये एग्जांपल, नोट करते चलिए। अच्छा अगला एग्जांपल बताइए, एग्जांपल नंबर, अगला एग्जांपल बताइए इसी में, एग्जांपल एग्जांपल भी। अगर मान लीजिए इफ आई इक्वल टू आपका होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, हो सकता है, और वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव जो भी है, ओमेगा टी प्लस फाइव कर लेते हैं, चलिए प्लस फाइव। अब दोनों के बीच फेज डिफरेंस निकालेगा तो क्या आएगा ये बताइए। अब जब दोनों के बीच आप निकालेगा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस अब जो आ जाएगा एक का ओमेगा टी प्लस फाइव, अब माइनस दूसरे का ओमेगा टी, माइनस कीजिएगा तो फाइव आ जाएगा फेज डिफरेंस। ये देखिए एग्जांपल में इसे नोट कर लीजिए, तो आपको फेज और फेज डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि सर जो अभी तक हम लोग जो ओमेगा टू ओमेगा टी ओमेगा टी का रट्टा लगाते आए थे, तो एस मनी सर जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला, एस मनी सर जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हमारा जो ये है वो वही आए, मतलब जो हमारा फेज है जो अंदर में ओमेगा टी, बल्कि ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, ये देखिए प्लस फाइव, तो यहां फेज डिफरेंस इससे फाइव ज्यादा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो फाइव आ जाएगा। नोट कर लिए इसे। अगला टर्म कीजिए, एट नंबर, सेवन हो गया, एट नंबर कीजिए, फेजर एंड फेजर डायग्राम, इसे नोट कर लिए तो फेज और फेज डिफरेंस समझ में आ गया। अगला टर्म लिखिए फेजर एंड फेजर डायग्राम, तब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फेजर एंड फेजर डायग्राम मैं इसे साफ कर रहा हूं, देखिए साफ करूं ना, इसे मैं साफ कर रहा हूं, यस फेजर एंड फेजर डायग्राम, ये देखिए कट 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 साफ कर दिया। समझिए मेरे बच्चे फेजर एंड फेजर डायग्राम क्या होता है, अच्छे से आपको भी समझ में आएगा क्या मेरे बच्चे। एक बात मुझे बताइए कि पता है अल्टरने आगे जाके आप अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अगला टर्म लिखिए एट नंबर में, एट नंबर में लिखिए फेजर, मैं स्पेलिंग लिखा फेजर, पी एच एस ओ आर फेजर, पी एच एस ओ आर फेजर एंड फेजर डायग्राम, एंड पी एच एस ओ आर फेजर डायग्राम। देखिए फेज और फेजर डायग्राम क्या होता है, अगर आप एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत बढ़िया से पढ़े हैं तब तो आपके लिए चुटकी है, यू 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 है, तब तो आपके लिए यू 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 है फेज और फेजर डायग्राम, ओके। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है फेज एंड फेजर डायग्राम। देखिए समझिए मेरी बातों को, मैं क्या कर रहा हूं आपसे कि अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक रोटेटिंग वेक्टर यूज किया जाता है, रोटेटिंग वेक्टर, और इस चीज को फील नहीं कर पाओगे तब तक जब तक इस पे क्वेश्चंस आगे के क्लासेस में ना देखो, क्योंकि आगे के क्लास में इतना यूज होता है फेजर और फेजर डायग्राम का, इतना 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 कि आपको मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चंस इजी वे में कैसे सॉल्व करें, इसके लिए एसएचएम में भी यूज किया गया था फेजर डायग्राम, क्योंकि वो भी वेव जैसा था, और यहां भी यूज किया जाता है वही फेजर डायग्राम, या वेव में भी किया जाता है फेजर डायग्राम, तो यहां भी सेम चीज है बच्चे। फेजर एंड फेजर डायग्राम क्या होता है समझिए, जो फेजर एंड फेजर डायग्राम होता है ना वो जैसे एंगल, आप ही देखिए कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर कितने एंगल पे, देखिए ग्राफी की बात करूं, ग्राफ पे यहां पर कितने एंगल पे, जीरो डिग्री पे, यहां पर कुछ एंगल होगा साठ डिग्री पे, आगे जाके कुछ एंगल होगा 90 डिग्री पे, ओके 90 डिग्री पे, और वैल्यू भी बार बार कमते जा रहा है, देखिए ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं कंपेयर करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा, कंपेयर कर दूंगा ना तो बिल्कुल खटाक से समझ में आ जाएगा, खटाक से, देखिए कंपेयर करके आपको दिखाता हूं, समझिएगा मेरी बात को। ये देखिए मान लीजिए मेरे बच्चे कि आपका मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी चीज का, ये लीजिए देखिए, चलिए अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव वोल्टेज, पता नहीं किसका है, किसी का भी हो सकता है ये ग्राफ, किसी का भी हो सकता है। तो देखिए जीरो डिग्री पे वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री पे तो वैल्यू जीरो है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया, तो फेजर को क्या किया जाता है ना, फेजर क्या होता है समझिए,
कि इसे एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करके, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करके दिखाया जाता है। और सर्कल में जब देखिए यहां पे मान लीजिए करंट या वोल्टेज है, वोल्टेज का डायग्राम मान लीजिए कि वोल्टेज का है, तो वोल्टेज यहां पे 0 डिग्री है, तो इस तरीके से ना एक रेडियस से दिखाया जाता है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज में, ओके। और 90 पे पता है कि मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा हमारा करंट, तो उसका ऐसे दिखाया जाता है 90 पे ऐसे। बीच में अगर मान लीजिए हम कितने डिग्री पे ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं कितने डिग्री पे, यहां का डिग्री हम ले लेते हैं 30 डिग्री, कितना लेते हैं बच्चे 30, देखिए 30, तो 30 डिग्री पे अगर हम ले, 30 नहीं होगा ये काफी ये हो गया, चलिए 30 लेते हैं, चलिए ठीक है 30, तो 30 पे ले ना बच्चे, तो 30 पे इस सामने ऐसे आएगा, देखिए इसी का डायग्राम देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे आएगा यहां से 30, मतलब कि ये 0 डिग्री का सिचुएशन हो गया, यहां 0 का, ऐसे घूम के 30 पे आ गया, तो इधर जो कंपोनेंट मिलता ना उतना तो यूज नहीं आएगा आपको, उतना तो यूज नहीं आएगा, इधर जो कंपोनेंट मिलता है यही वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, तो इसको फील करने के लिए आपसे मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो ये जो मैंने इस तरीके से दिखाया ना सर्कल में, यही हमारा क्या है बच्चे, फेजर और फेजर डायग्राम, ये जो रेडियस दिख रहा है, रेडियस रोटेटिंग वेक्टर के रूप में, 90 डिग्री पे देखिए सबसे मैक्सिमम आ गया, ये देखिए शायद सेट नहीं कर पाया 90 पे, 90 पे शायद सेट नहीं कर पाया, ये देखिए ग्राफ मैंने यहां पे सही से बनाना चाहिए था ऐसे करके, चलिए मैं कर देता हूं इसे, तो 90 पे देख रहे हैं ना, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी यहां 90 पे आएगा तो ये भी 90 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और फिर इसके बाद देखिए ऐसे कमेगा, यहां 180 पे 0, तो यहां भी 180 पे 0, फिर उल्टा में जाएगा, तो उस तरीके से काम करता है। तो आपको उससे मतलब नहीं रखना, इसको आप माइंड में इग्नोर कीजिए, इसको बस जानिए कि ये जो रेडियस है इसको बोलते हैं फेजर, और जो डायग्राम बनाए फेजर डायग्राम, अभी मैं 2 मिनट में जो आपको समझाऊंगा वो आपको जरूरी है, और वहीं आपको क्लियर होगा, क्योंकि अगर 11th नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम होगा आपको ये जानने में, और इसकी यूज नहीं आती, क्यों यूज किसका आता, बस इसको बोलते हैं ये जो रोटेटिंग वेक्टर ना, इसको बोलते हैं हम लोग फेजर, और ये जो डायग्राम बनाया है इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, ओके। तो अगला टर्म लिखे फेजर एंड फेजर डायग्राम, 8 नंबर में लिखिए ना, अभी आपको समझ में आएगा, पर लिखिए बच्चे फेजर में लिखिए, द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट, लिखिए द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट, द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज वेरी मच सिंप्लीफाइड, द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट is very much simplified, काफी सिंप्लीफाई हो जाता है, कैसे, by representing alternating voltage और current by a line of definite length, ये जो definite length होता नहीं maximum value होता है, लेकिन उतना आप लोगों को यहां नहीं देखना होता है, by a line of definite length in anti-clockwise rotation, definite length rotating in anti-clockwise direction, definite length के बाद rotating in anti-clockwise direction, okay, rotating in anti-clockwise direction इसको दिखाते हैं, rotating in anti-clockwise direction एट ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब कि जितना इसका वेलोसिटी ओमेगा होता ना उसका इसका भी ओमेगा सेम होता है, तभी तो साथ साथ चलेगा। इस पे जो ये जो कंपोनेंट आता है ना वही करंट का वैल्यू बताता है या वोल्टेज का वैल्यू, देखिए ऐसे रहेगा तो इधर कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो करंट 0 है ऐसे में, ऐसे हो जाएगा तो कुछ कंपोनेंट आएगा तो यहां का करंट आएगा, पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा यहां से लेके यहां सीधा तो पूरा करंट आ जाएगा, ओके। लिखिए बच्चे in on anti clockwise direction at a constant angular velocity omega
सच ए रोटेटिंग लाइन इज कॉल्ड अ फेजर. सच ए रोटेटिंग लाइन, ये जो रोटेटिंग लाइन इसी को बोलते हैं फेजर. ओके, सच ए रोटेटिंग लाइन इज कॉल्ड फेजर. ओके, क्लियर हो गया बच्चे? चलिए अब फेजर डायग्राम में लिख लीजिए. फेजर के बाद फेजर डायग्राम में भी लिख लीजिए. फेजर डायग्राम क्या होता है? ओके, वही जो डायग्राम जो है इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम. ये जो डायग्राम दिख रहा है यही हमारा फेजर डायग्राम है. ओके, लिखिए फेजर डायग्राम में. लिखिए वी नो दैट, नीचे एक लाइन चेंज करके लिखिए, एक लाइन चेंज करके वी नो दैट फेज ऑफ एसी एंड एबी क्या लिखे. मैंने बोला वी नो दैट फेज ऑफ एसी एंड एबी विल बी डिफरेंट. नहीं क्या लिखा है, मैंने लिखा वी नो दैट फेज ऑफ एसी एंड एबी मे बी डिफरेंट एसी एंड एबी मे बी डिफरेंट. देन मे बी डिफरेंट के बाद फुल स्टॉप पर लिखिए फुल स्टॉप पर लिखिए वी कैन रिप्रेजेंट द बी कैन रिप्रेजेंट द एबी एंड एसी एज फेजर अलोंग विथ फेज एंगल बिटवीन देम. को लिख लीजिए पहले डिफिनेशंस, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. अलोंग विथ फेज एंगल बिटवीन देम such a diagram is called फेजर डायग्राम. यानी जिसमें हम लोग करेंट और वोल्टेज को एक साथ दिखाते हैं उस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम. ओके, तो अभी जो आप लिखे उसमें सिर्फ ये नोट कीजिए, ये जो मैंने नीचे सर्कल और ये ग्राफ ड्रॉ किया लास्ट में, ऊपर वाला नहीं, ये ग्राफ और इसी के सामने ऐसे करके, और दिमाग में रखिएगा कि जो रोटेटिंग लाइन है यही हमारा फेजर है. ओके, फेजर डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अभी पता चलेगा, जिसका यूज है. मैं स्टार्ट हो गया, नोट कीजिए. ओके, कर लिए नोट स्टूडेंट्स. तो अब करते इसे साफ और अब मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस. क्या इतना पढ़ने के बाद मेरे बहादुर शेर, मैं कह रहा हूं इतना पढ़ने के बाद मेरे बहादुर शेर, एक बात तो आपको पता चल ही गया होगा कि सर करेंट और वोल्टेज सेम नहीं होगा, बल्कि करेंट और वोल्टेज मतलब सेम फेज में नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है. और जो हम लोग इस तरीके से एंगल से दिखाते हैं उसको बोलते हैं उस रोटेटिंग वेक्टर को फेजर. खैर, फेजर डायग्राम क्या होता है समझिए. फेजर डायग्राम देखिए, मैं चीज को पहला में मैंने कंडीशन क्या लिया था कि वोल्टेज और करंट में सिर्फ मतलब रजिस्टर हो सर्किट, मतलब दोनों का फेज होगा सेम. तो फेज सेम होगा तो अगर हम फेजर डायग्राम यहां पर बनाए तो देखिए कैसे बनेगा फेजर डायग्राम. ये देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा फेजर डायग्राम. आपका करंट भी इसी एक्सिस पे जाएगा मेरे बच्चे, और वोल्टेज है वो भी इसी एक्सिस पे जाएगा, दोनों सेम एक्सिस पे जाएगा. सेम, मैं थोड़ा दूरी करके बनाया हूं ताकि, यानी दोनों सेम, करंट और वोल्टेज दोनों जाएगा सेम एक्सिस पे, दोनों सेम एक्सिस पे. क्यों? क्योंकि दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, तो दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए. ये वाला बनाऊंगा तब समझ में आएगा. बताइए मुझे इसमें कौन लैगिंग है कौन लीडिंग है मेरे बच्चे, जल्दी बताइए. इसमें कौन लैगिंग है कौन लीडिंग है, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे है? ऑब्वियस सी बात, देखिएगा तो देख के दोनों इक्वेशन सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता, चाहे ये दोनों की बात करो या ये दोनों, दोनों सेम है. देख के पता चल रहा है कि इसका करंट का फेज ओमेगा टी और वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस फाई है, यानी वोल्टेज हमारा फाई फेज आगे है, लीड कर रहा है वोल्टेज फाई फेज आगे. इसमें भी अगर देखेंगे मेरे शेयर, इसमें भी तो आपको वही आएगा सुगंध. देखिए तो इसमें भी देखिए, आपका वोल्टेज का ओमेगा टी और करंट का ओमेगा टी माइनस फाई, मतलब हमारा करंट फाई फेज पीछे है, करंट फाई फेज पीछे मतलब वोल्टेज फाई फेज आगे है इससे, तो दोनों सेम है, दोनों में वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है.
तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, देखिए इसका बनाएंगे फेजर डायग्राम, और वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है, देखिए फेजर डायग्राम और वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है, तो अगर आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरे बच्चे कि करंट को दिखाते हैं इधर एक्स एक्सिस पे, और आपका वोल्टेज ना, वोल्टेज जो है वो इससे 5 फेज आगे है, तो आपको वोल्टेज को दिखाना पड़ेगा ऐसे करके, इससे 5 फेज आगे, यही हुआ फेजर डायग्राम, देख लीजिए आपको दिख रहा है, समझ में आया कुछ कुछ की नहीं? देखिए ना, इन दोनों को देख के पता चल रहा है ना कि वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है आगे, तो करंट से वोल्टेज हमारा 5 एंगल आगे है, तो यहां भी होना चाहिए आगे। इसी चीज को ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों सेम है, ऐसे दिखा, इसके अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। कैसे कैसे दिखाइएगा? तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हम इस पे वोल्टेज को लेंगे एक्स एक्सिस की ओर, हम वोल्टेज को लेंगे एक्स एक्सिस की ओर, तो ठीक है करंट को पीछे कर दीजिए, दोनों सेम है, देखिए दोनों सेम है, ये और वो दोनों सेम है। अगर आप करंट को एक्स पे लिखते हैं तो करंट से आपका वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज का फेज ऊपर जाएगा लीडिंग में, और अगर आप करंट को एक्स पे नहीं लिखते, समझिए मेरी बात, अगर आप करंट को एक्स पे नहीं लिखते हैं बल्कि वोल्टेज को लिखते हैं, तो वोल्टेज तो आपका आगे है यानी करंट आपका पीछे है, तो इसको नीचे करना पड़ेगा, दोनों सेम है, देख लीजिए फेजर डायग्राम। आइडिया कुछ कुछ लगा? अच्छा, इस चीज को लिख लीजिए कि जिस क्वांटिटी का फेज अधिक होता है उसे लीडिंग क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं मेरे बच्चे, जल्दी बताइए, जिसका फेज आगे होता है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग क्वांटिटी। लीडिंग लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट में लिखिए, लिखिए बिटवीन एसी एंड एबी, बिटवीन एसी एंड एबी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द क्वांटिटी विच फेज इज ग्रेटर The quantity which phase is greater, the quantity which phase is greater, known as leading quantity, LEADING, leading, known as leading, हिंदी में अग्रगामी बोलते हैं, अग्रगामी, known as leading quantity, and The quantity which phase is less, and the quantity which phase is less, known as lagging quantity, LAGGING, lagging quantity, known as lagging, okay? तो इसमें मैंने क्या किया, अब देखिए पूरा का एग्जाम्पल भी यहां ना कोई लैग कर रहा है ना लीड कर रहा है, दोनों सेम है। देखिए तो एग्जाम्पल ए लिखना है, देख सकते हैं यहां पे एग्जाम्पल ए में यहां से यहां पर ये लिखना है, दोनों का इक्वेशन लिखना, और यहां जो साइड में लिखा हूं वो लिखना है, इक्वेशन के बाद ये जो साइड में मैंने लिखा, ये साइड में ये लिखना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करके फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल बी में भी ऐसे ही इसका ग्राफ ये दिया हुआ है, क्योंकि ओमेगा टी वोल्टेज को ऐसे दिखाया, आप ऐसे भी दिखा सकते, इसको करंट रखिएगा तो इसे ऊपर से चला जाएगा, वो तो अलग बात है। तो ये करके और ये भी कीजिए, जल्दी से कीजिए बच्चे, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो जल्दी से उतना, ओके नोट कर लिए। तो सी नंबर में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो लीडिंग है, लीड कर रहा है आगे है, उसके जगह पर करंट लीड करे, हो सकता है कि नहीं बच्चे? एकदम हो सकता है, यानी व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग, अल्टरनेटिंग करंट हमारा लीड कर रहा है, ओके ये लीड कर रहा है, तो करंट जब लीड करेगा तो इक्वेशंस कैसे काम करेगा, पहले तो मुझे ये बताइए, करंट लीड करेगा तो इक्वेशंस कैसे काम करेगा, ये बताइए कैसे काम करेगा। चलिए मैं बताता हूं, करंट लीड कर रहा है, और अगर आप वोल्टेज को लिखते हैं वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आई इक्वल टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट लीड कर रहा आगे है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि करंट हमारा 5 फेज आगे है। नहीं तो अगर आप करंट को ही लिखते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका करंट तो लीड कर रहा है, यानी वोल्टेज आपका पीछे है, तो V इक्वल टू लिखिए V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये देखिए चीजें आइडिया लग गई होंगी, बिल्कुल खटाक खटाक खटाक
चीजें आइडिया लग गई होंगी, बिल्कुल खटाक 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 लगी आइडिया। इसका ग्राफ बनाइएगा और फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएगा देखिए, किसी का इसी का वर्ग्राफ पहले तो इसका ड्रॉ किया था और इसका ग्राफ ड्रॉ कर देखिए। v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t है, तो एक काम कीजिए ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो इसमें तो ओमेगा t है तो इसको तो ऐसे लेकर चलना पड़ेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे, और i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t यानी i हमारा आगे है, यानी कि कहने का मतलब जो करंट है वो पहले ही हमारा निपट लेगा, जो करंट है मेरे बच्चे वो पहले ही मैक्सिमम होगा, तो ऐसे होगा इसका ग्राफ, ये देखिए पहले ही मैक्सिमम हो गया, देख रहे हैं एक सेकंड, हमेशा देखिए ना वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम हुआ है, करंट पहले ही मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम हुआ है, करंट पहले ही मैक्सिमम हो गया, करंट यहां पे देखिए पहले ही मैक्सिमम हो गया। तो हमारा कहने का सेंस यही चीजें हुई क्या, कहने का सेंस ये हो, इसका ग्राफ हुआ ऐसे में कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, तो मैं बता ही दिया हूं कि माइनस फाइव वाला नीचे रहेगा, ये वोल्टेज हो जाएगा, यहां पे क्या है, यहां पे इस चीज को लिख लीजिएगा कि जो सॉलिड लाइन है ओमेगा टी, यानी ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये डॉट लाइन वाला करंट का है, ओके, और यहां पे ओमेगा टी किस में, वोल्टेज में, ये सॉलिड वाला वोल्टेज है और ये जो डॉट वाला ये हमारा करंट का ग्राफ है, ओके। अच्छा फेजर डायग्राम का मिलनी खेल है, कैसे दिखाइएगा यहां फेजर डायग्राम, अगर आपको यहां पे फेजर, कौन लैगिंग कौन लीडिंग है बताइए, कौन लैगिंग कौन लीडिंग बताइए जल्दी से, यहां पे आपका जो भी देखिए आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है, तो अगर आप करंट को इसमें दिखाते हैं, करंट को इस पे इसमें दिखाते हैं, या मान लीजिए वोल्टेज को इस पे दिखाते हैं, चलिए वोल्टेज को इस पे दिखाते हैं, तो करंट आपका फाई एंगल ज्यादा है, तो फाई एंगल ऐसे दिखाना पड़ेगा, इससे फाई एंगल ऊपर, इससे फाई एंगल ऊपर, और अगर आपको नहीं लग रहा कि नहीं सर हम करंट को ही दिखाएंगे इसमें, और वोल्टेज तो आपका पीछे है करंट से, तो वोल्टेज को पीछे दिखाइए, बात दोनों सेम है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, और ऐसा भी नहीं कि यह बहुत ऐसा हार्ड चीज है जो आपको समझ में ना आए, ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है कि समझ में ना आए, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए तो ओके, चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, करता हूं इसे खटाक खटाक साफ, कैसे करूंगा साफ, खटाक खटाक करता हूं इसे खटाक खटाक साफ, और आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, तो माइंड में ये सब फेज फेजर डायग्राम, मेनली आपका फेजर डायग्राम और लैगिंग लीडिंग से काम है, और मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस तब आएगा कब आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा कब आएगा ये बताइए, जब आप इस पे आगे चल के क्वेश्चंस वगैरह पढ़िएगा, क्वेश्चंस वगैरह कीजिएगा ना आगे जाके, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर रहेगा, रजिस्टर रहेगा, इंडक्टर रहेगा, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, तो देखते देखते सब पता चल जाएगा, ये सब हंस हंस कर पता चल जाएगा, हंस हंस करके क्या होता है नहीं होता है, ओके। तो फेज जो अंदर का एंगल है वो, और जरूरी नहीं कि करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम ही हो, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, रजिस्टर के अलावा अलग कोई डिवाइस रहेगा तो अलग अलग हो सकता है, जिसका फेज ज्यादा रहेगा, मैं कह रहा हूं जिसका फेज ज्यादा रहेगा, तो जिसका फेज ज्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग क्वांटिटी, जो कम फेज में रहेगा उसको बोलते हैं लैगिंग क्वांटिटी। फेजर डायग्राम उस तरीके से हम लोग एंगल से जो दिखा रहे थे नीचे, वही फेजर डायग्राम था जो मैंने दिखाया फिर, और वो जो वेक्टर टाइप का रोटेटिंग वेक्टर जो दिखाया तो वही हमारा फेजर था, तो फेजर नहीं फेजर डायग्राम का ही यूज होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे जरूर पूछिएगा, मैं तो आपके साथ हमेशा हूं ही, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, हाँ इस चीज को एक दो बार रिवीजन कीजिएगा आज वाले क्लास को, वरना अता पता लपता होगा, कम से कम फेज डिफरेंस जो मैंने पढ़ाया ना वो माइंड में रखिएगा, फेज डिफरेंस और फेजर डायग्राम ये माइंड में रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।